हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो पेंटिंग है ये एक लोटस का पेंटिंग है और ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया है और इसके लिए मैंने कलर्स यूज किया है, स्टूडेंट पोस्टर कलर, ये डॉम्स का है और मेरे पास पुराना कुछ एक्रेलिक चॉक कलर था। और इसके लिए मैंने ब्रशेस भी ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, राउंड ब्रशेस था मेरे पास जो कि नायलॉन का है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको कर पाएंगे? बिगिनर होते हुए भी आप खुद का एक आर्ट पीस ऐसे घर में सजा पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना। बस पुराने कलर्स था, ये एक्रेलिक चॉक पेंट है और ये मैंने बताया ये डॉम्स का पोस्टर कलर्स है, तो इसके साथ ही मैं आज ये पेंटिंग करूंगी। देखते हैं कैसे होता है। ब्रशेस भी मैंने बहुत सिंपल रखा है जो कि स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। ये नायलॉन का ब्रशेस है, एक हो गया फ्लैट ब्रश नायलॉन का और एक राउंड ब्रश है जो कि साइज 6 का है। और मैंने तीन ही टाइप नायलॉन का ही लिया है, राउंड ब्रश और एक साइज 8 का और ये है साइज 3 का। और मेरे पास एक पुराना फ्रेम था, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ पुराना फ्रेम है तो इसी के लेकर आप एक अपना खुद का पेंटिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको आइडिया शेयर कर दूंगी। और मेरे पास है ये एक्रेलिक पेपर जो कि 300 GSM का है और साइज 8 का। और आपको चाहिए एक वाटर जार, एक पेंसिल आउटलाइनिंग के लिए, एक कलर पैलेट और एक स्प्रे बोतल जो कि बहुत ही एसेंशियल है, और एक क्लोथ ब्रशेस को साफ करने के लिए। लेट्स पेंट। मैंने कुछ आइडियाज क्रिएट कर लिया था रफली, तो इनमें से मुझे ये अच्छा लगा तो यही हम लोग आज पेंट करेंगे, लोटस फ्लावर विद लिप्स। अभी आउटलाइन हो गया है, पहले हम लोग बैकग्राउंड में कलर कर लेंगे। ये जो मैंने पीसेस बनाया है ना, इस पीसेस में कलर करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लावर्स और पिकेट्स, मैंने पहले बताया था मेरे पास पुराना कुछ कलर्स था, ये एक्रेलिक चॉक पेंट है स्काई ब्लू कलर पे है। हम लोग पहले कलर्स का जो ग्रेडियंट है वो बना लेते हैं। और मेरे पास एक पोस्टर कलर डॉम्स का ब्लू कलर, इस कलर को भी निकाल लेंगे पैलेट में। फर्स्ट हम लोग ये वाला कलर अप्लाई करेंगे स्काई कलर, ये मिडिल पोर्शन में यहाँ पे करेंगे और जो यहाँ पे है इसमें थोड़ा सा लाइट वर्जन यूज करेंगे कलर्स का। ये फ्लूट कलर है, बहुत ही पतला है इसलिए शायद मुझे 2-3 कोट यहाँ पे डालना पड़ेगा कलर्स का। सो अभी मैं स्लाइटली डीप कलर प्रिपेयर करूंगी इसके साथ। मैं थोड़ा ग्रेडियंट को चेंज करूंगी, अभी थोड़ा डीप के साइड में जाएगा तो मैं यहाँ पे सेपरेट से कलर ले लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे पिंच ऑफ ग्रीन में यहाँ पे मिला के देखती हूँ। Thank you.
सो अभी जो बैकग्राउंड का बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग फ्लावर्स और पिटल्स पे काम करेंगे। कलर्स भी चेंज होगा, इसके लिए मैंने पुराना वाला जो पहले थे उसको पूरा कम्प्लीटली वॉश कर लूँगी। और मेरा ब्रशेस पे कलर लगा हुआ है प्रीवियस कलर, इसको भी मैं पूरा वॉश कर लूँगी। और मेरा जो वाटर जार है उसको भी मैं पूरा रिमूव कर लूँगी और पहले से फिर से साफ पानी डाल दूँगी। So now we are going to paint the lotus. But हम लोग ये ध्यान रखेंगे जो मैंने ये lines के बीच में ये gaps रखा है इसको हम लोग एकदम end में paint करने वाले हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा जो gaps है उसको हम लोग खाली रखें। तो अभी दिखाते हैं मेरा फाइनल पेंटिंग फ्रेमिंग करने के बाद। सो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।